Two forces are such that some of their magnitude is 18 newton, okay, and their resultant is 12 newton, which is perpendicular to a smaller force. Then the magnitude of the forces are. तो मान लिया फोर्सेज F1 F2 है, तो ये तो मुझे पता है कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18 newton. दीज आर दी मैग्नीट्यूड्स. अच्छा, देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन. तो रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन का मतलब क्या है कि F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta must be equal to 12 newton, यानी कि 144 ये होना चाहिए. हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे. वो कह रहा है जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स को परपेंडिकुलर है. तो मैंने मान लिया F2 इज ग्रेटर देन F1. मान लिया F1 ये है, अज्यूम कर लेते हैं F1. तो रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है. मान लिया ये रिजल्टेंट है 12 न्यूटन. अब आप सोचो कि जो F2 होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए सच दैट रिजल्टेंट ये आ जाए. F1 सॉरी F1 कहाँ होना चाहिए? यहाँ हो सकता है F1, नहीं हो सकता, रिजल्टेंट इधर आएगा. तो इसको तो कहीं ऐसे ही इस तरफ ही होना पड़ेगा, 90 से ज़्यादा होना पड़ेगा. तो अगर मैं पैरेललोग्राम के बारे में कुछ भी जानता हूँ, लॉ के बारे में, तो ये अगर रिजल्टेंट है तो ये कुछ ऐसा लॉ बनेगा, यानी कि ये बनेगा कुछ ऐसे करके और ऐसे. इसका मतलब ये F1 होना चाहिए. इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, दिस शुड बी F1, ठीक है. ये 90 है और ये इनके बीच में एंगल है, फोर्सेस के बीच थीटा. तो ये तो 90 माइनस थीटा हुआ और इस हिसाब से ये एंगल थीटा हुआ. तो आप अगर सोच के देखो, इसका और इसका दोनों का रिजल्टेंट अगर इधर है तो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट F1 cos theta मस्ट बी इक्वल टू F2. तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, रिजल्टेंट यहां आ जाएगा. दूसरी बात, इसका ये वाला कंपोनेंट F1 sin theta इज इक्वल टू 12. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो. और ये भी दिया हुआ है मुझे कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18. इसको थर्ड मान लो. यहाँ से F1 निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हो? स्क्वायर करके ऐड कर लो. तो जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो F1 cos square theta प्लस sin square theta विल बी इक्वल टू F2 squared प्लस 144. ये भी स्क्वायर आएगा, यानी कि F1 माइनस F2 इंटू F1 प्लस F2 इज इक्वल 144. मैं सिंपली इसको इधर लेके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया. F1 प्लस F2 मुझे बताया 18 है, तो F1 माइनस F2 शुड बी इक्वल टू 144 बाई 18. ये तो 8 हुआ. तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 8. ये इक्वेशन 4 हुई. सॉल्व कर लीजिए तो 2F1 इज इक्वल टू 36 आएगा और F1 आएगा 13 न्यूटन. तो अगर F1 13 है तो F2 कितना आ जाएगा? 13 माइनस 8 विच इज 5 न्यूटन. सो दिस इज योर आंसर.